नमस्कार दोस्तों, आज वीडियो बनाते वक्त हमें थोड़ी बहुत निराशा इस बात की है कि हम देखते हैं कि हमारे चैनल पर लगातार सब्सक्राइबर घटते जाते हैं अगर हम एक या दो दिन वीडियो नहीं डालते हैं, और वीडियो पर भी लाइक बहुत कम और व्यू भी बहुत कम आते हैं। देखिए, सब्सक्राइबर घटने का कारण मैं आपको बताऊं कि हो सकता है कि आप मेरी कुछ पुरानी वीडियो को देख के जो आज के समय में फिट नहीं बैठती हैं उनको देखते होंगे और उनको देखने के बाद चैनल को अनसब्सक्राइब करते होंगे। उसका कारण मैं आपको बता दूं कि अगर हम चैनल पर दो या तीन दिन वीडियो नहीं डालते हैं तो YouTube ही पुरानी वीडियो में से उठाकर आपके लिए भेजता है, कुछ रिकमेंडेड करता है, जिसमें लिखा आएगा ऊपर YouTube रिकमेंडेड यू। तो इसका मतलब ये होता है कि वो वीडियो अभी लेटेस्ट नहीं है, वो अभी हमने अपलोड नहीं की है, वो पुरानी वीडियो है। साथ ही साथ उस वीडियो के नीचे आप टाइम देख सकते हैं कि वो वीडियो कितनी पुरानी है। तो कभी ये ना समझें कि पुरानी खबर को या किसी पुरानी वीडियो को हम आगे आज की डेट में डाल लें, वो YouTube ही रिकमेंड करता है। इस वजह से आपको शायद लगता होगा कि ये पुरानी खबर ही बता रहे हैं, जबकि वास्तविकता यही है कि जब तक कोई सही खबर नहीं मिलती है तो हम जो है जब तक वीडियो नहीं बनाते हैं। कल भी हमारी जब त्रिवल सिंह से बात हुई तो उन्होंने बताया कि अब उनका एक और नया अभियान शुरू होने जा रहा है शिक्षा मित्रों के लिए, वो मन की बात को लेके है। तो उस संबंध में हमने कहा कि हम इसकी वीडियो आज सुबह या कल बना देंगे, तो उसी संबंध में आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, और साथ ही कुछ बेसिक शिक्षा की अपडेट हैं बहुत ज़रूरी, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि आपके व्यूज़, आपके लाइक और आपका सब्सक्रिप्शन मुझे इनक्रेजमेंट देता है नई वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे। तो चलिए बताते हैं हम आज कौन कौन सी खबरें हैं और शिक्षा मित्रों के लिए क्या ज़रूरी संदेश हैं। सबसे पहले हम बात करें यूपी बोर्ड की ही, तो यूपी बोर्ड में हाई स्कूल व इंटर की परीक्षाएं तो रद्द कर दी गई थी, उनके अंक किस तरह से बच्चों को मिलेंगे इसका फॉर्मूला तय हो गया था, जिसकी मंजूरी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिल गई है। अब जल्द ही इसका परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। इंटर की परीक्षाओं के लिए 50, 40 और 10 का फॉर्मूला अपनाया गया है, और जबकि हाई स्कूल की परीक्षा के लिए 50-50 वाला फॉर्मूला अपनाया गया है। यानी कि आप समझिए कि हाई स्कूल के 50% मार्क्स और इंटर के 40% मार्क्स और वो सॉरी फर्स्ट ईयर के और इंटर के प्री बोर्ड के 10% मार्क्स पीछे पीछे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे हाई स्कूल में इंटर की बात करें तो इंटर से पहले बच्चे ने हाई स्कूल पास करी है, 11th पास करी है और इंटर का प्री बोर्ड दिया है, तो इसमें 50+40+10% का फॉर्मूला अपनाया गया है। और हाई स्कूल के लिए उसने 9th के एग्जाम पास किए हैं और हाई स्कूल का प्री बोर्ड दिया है, तो उसके लिए उसको 50-50% का फॉर्मूला अपनाया गया है। 50% 9th के अंक और 50% हाई स्कूल की प्री बोर्ड, उनको जोड़ के इस तरह से नंबर दिए जाएंगे और उनकी मेरिट नहीं बनेगी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है। तो बस यूपी बोर्ड को लेके तो यही अपडेट थी। बाकी शिक्षा मित्र की खबर को लेकर हम बात करें तो शिक्षा मित्र की खबर में यही है कि त्रिभुवन सिंह जी का ट्विटर अभियान 2 बार हुआ, काफ़ी अच्छा सफल रहा, 10-10, 15-15 यहाँ तक कि लगभग 20 लाख तक भी ट्वीट होने तक तो जो है सफलता मिलती रही। लेकिन अब ट्विटर को विराम देते हुए उन्होंने ये बताया कि जब जब जहाँ जहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी सामने आएंगे हम उनसे अपनी मांग रखेंगे। तो इतने ट्वीट होने पर भी जब माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई संदेश कोई ट्वीट नहीं आया शिक्षा मित्रों के लिए, तब उन्होंने अपनी बात को अपनी पीड़ा को सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचाने देने के लिए मन की बात का सहारा लिया है। यहाँ शिक्षा मित्र अपने मन की बात अब सीधे डायल करके मन की बात टोल फ्री नंबर पर करेंगे, और 24 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात का कार्यक्रम होगा उसमें अगर प्रधानमंत्री जी शिक्षा मित्रों को संबोधित करते हैं, उनके लिए कुछ एक लाइन बोलते हैं, तो शिक्षा मित्रों को बहुत राहत मिलेगी। इसी उम्मीद से ये अभियान छेड़ा गया है। ट्विटर पर तो सफलता मिली, साथ ही साथ त्रिवेंद्र सिंह ने कहा है कि इस पर भी हमें एकजुट होकर, ये किसी संगठन का या किसी व्यक्ति विशेष का अभियान नहीं है, सभी आम शिक्षा मित्रों का है, सभी हर पीढ़ी शिक्षा मित्रों का है, अगली 3 पीढ़ियों को एक अच्छा
जीवन देने के लिए ये अभियान छेड़ा गया है। तो शिक्षा मित्रों, क्या करना है, अपनी बात सही तरीके से और सीमित शब्दों में, क्योंकि समय कम मिलता है उसमें, तो आप टोल फ्री नंबर 1800117800 को डायल करेंगे तो आप सीधे मन की बात के लिए अपनी बात कह सकते हैं। अपनी मन की बात कहिए, वहाँ रिकॉर्ड कराइए और आप फ्री, अब ये आप कॉल अपने अपने नंबर से कीजिए, अपने रिश्तेदार के नंबर से कीजिए, उनसे करवाइए। ये त्रिभुवन सिंह जी का कहना है कि आप सभी एक परिवार जुट होकर अपनी बात माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचाइए, ये प्रोग्राम है। आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आप इसमें कितना सहयोग देते हैं, आप इसके पक्ष में हैं या आपके विरोध में हैं, या आपको क्या लगता है कि इससे क्या परिणाम सामने और आ सकते हैं, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात में शिक्षा मित्रों की बात छेड़ेंगे, बताएंगे उन्हें कि शिक्षा मित्रों के लिए क्या होने जा रहा है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। और इसी के लिए आप हमारे वीडियो को जरूर प्लीज़ लाइक तो कर ही दीजिएगा। अगली खबर में हम एक आपको और शिक्षा मित्रों से जुड़ी एक अपडेट दे दें, वो उनकी है जो कभी कभी सामने आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो बहुत अच्छी खबर लेकर आते हैं, जिनका नाम है लवलेश कुमार शुक्ला जी। अगर इनकी बात को लिया जाए तो इनकी बात को वैसे कोई सीरियस लेता नहीं है, लेकिन जो भी बात करते हैं बड़ी मज़ेदार करते हैं। अभी इन्होंने ये कहा कि शिक्षा मित्रों की बीएलओ से ड्यूटी हटा दी गई है, इसके लिए एक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए अपनी दूरदर्शिता रणनीति के तहत तो उन्होंने ये पोस्ट किया कि आप नहीं जानते कि इसके दूरगामी कितने अच्छे परिणाम हैं अगर शिक्षा मित्रों को बीएलओ से हटाया जा रहा है। तो शिक्षा मित्रों को बीएलओ से हटाकर केवल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक को बीएलओ इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर बना दिया जाएगा। सहायक अध्यापक के पद पर बनते ही हो सकता है कि उनका ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ इधर से उधर होगा, तो जिसकी वजह से अगर शिक्षा मित्र बीएलओ का काम कर रहे होंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मतदान सूची के संशोधन और नामांकन का काम डिस्टर्ब हो जाएगा। ये कार्य डिस्टर्ब ना हो इसलिए पहले ही ये आदेश कर दिया गया है कि सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक बीएलओ की ड्यूटी करें, क्योंकि जो इस समय वर्तमान में शिक्षा मित्र हैं वो चुनाव से पहले ही सहायक अध्यापक बना के उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। देखिए, ये संभव है, ऐसा नहीं कह सकते कि हम, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर नई शिक्षा नीति लागू होने पर शिक्षा मित्रों का समायोजन होता है तो वो एक जगह से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, जिसकी वजह से मतदाता सूची प्रभावित होगी। तो उन्होंने ये एक तर्क दिया है कि इस वजह से बीएलओ में शिक्षा मित्रों को नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा जो कंक्लूशन नहीं निकल पाता वो ये कि ऐसा तो पिछली बार विधानसभा चुनाव में भी कहा गया था कि शिक्षा मित्रों को बीएलओ नहीं बनाया जाए, तब वहाँ पर मना करने का क्या कारण था, तब वहाँ पर मना करने का क्या समायोजन करने का शिक्षा मित्रों का कारण था जो आज तक 4 साल में नहीं हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में टकरा रही हैं, बाकी उनकी बात में कुछ सच्चाई भी है। तो ये दोनों खबरें हैं, इस खबर को लेकर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि ऐसा अगर होता है तो कितना सच है इस बात में। तो दोस्तों, बस ये थी बेसिक शिक्षा से जुड़ी खबर और शिक्षा से जुड़ी खबर। हम ऐसे ही अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही खबरों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।